सर्पिका पृथ्वी लोक पर अपनी सहेली विशाली के पास जाती है। उसको देखकर वैशाली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी से उछलते हुए सर्पिका से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ सर्पिका कि तुम यहाँ आई। अरे आती कैसे नहीं, मेरी दोस्त ने जो मुझे बुलाया था, आना तो बनता था। हाँ वैसे अब तू जल्दी से तैयार हो जा। तैयार? भला वो क्यों? अरे भूल गई क्या कि आज मेरी गोद भराई है। क्या गोद भराई? अरे गोदा भरी नहीं, गोद भराई। इसमें जो गर्भवती महिला होती है ना, उसको बीच में बैठाकर सभी औरतें अपना आशीर्वाद देती हैं। अच्छा अच्छा। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वैशाली को आवाज लगाते हुए उसकी सास आ रही होती है। अपनी सास की हलचल देखकर वैशाली बोलती है, अरे सर्पिका जल्दी से कपड़े बदल ले, अगर तुझे मेरी सास ने ऐसे नागिन अवतार में देख लिया ना तो सच में बहुत बुरा हो जाएगा। बस इतनी सी बात? रुको मैं अभी अपना अवतार बदलती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर, मेरी अलमारी में कपड़े रखे हैं, जा जल्दी से पहन कर आ जा। अरे वैशाली तू ये कैसे भूल गई कि तेरी ये सर्पिका सहेली कोई इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। नागिन! इतना कहकर सर्पिका एक चुटकी बजाते ही अपने कपड़ों को बदल लेती है और वो इंसानी कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर वैशाली बोलती है, अरे सर्पिका तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वैशाली की सास आ जाती है और वो उस सुंदर सी लड़की को देखकर कहती है, अरे वैशाली बहू ये कौन है? मम्मी जी ये मेरी नागिन दोस्त है। क्या? अरे मतलब ये कि नागिन के जैसे चमकती है ना ये, इसलिए मैं इसको नागिन बोलती हूँ मम्मी जी। हाँ वैसे चमक तो सच में रही है। जल्दी से तुम दोनों नीचे आ जाओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। इस तरह अब वहाँ से उसकी सास चली जाती है तो वहीं कुछ देर बाद अब वैशाली भी अपनी गोद भराई के लिए नीचे जाती है। कुछ देर में अब गोद भराई शुरू हो जाती है। सभी औरतें वैशाली को अपना आशीर्वाद देती हैं, साथ ही उसकी गोद में आशीर्वाद के तौर पर कुछ ना कुछ तोहफा भी देती हैं। तो वहीं दूर से खड़ी होकर सर्पिका भी अपनी सहेली की गोद भराई देखती है। सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। अब बस बचती है तो सर्पिका। सर्पिका एक कोने में खड़ी थी, उसको देखकर वैशाली बोलती है, अरे सर्पिका तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ तुम भी मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। अरे वो कैसे दे सकती है आशीर्वाद, वो शादीशुदा थोड़ी ना है। अरे मम्मी जी किसने कहा कि वो शादीशुदा नहीं है। सर्पिका वैशाली को आशीर्वाद देने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अब वैशाली की गोद भराई खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सर्पिका भी अपने नागलोक चली जाती है और नागलोक जाकर अपने पति से कहती है, माहिर जी आपको पता है इंसानों के यहाँ गोद भराई बहुत अच्छे तरीके से होती है। गोद भराई? भला ये कौन सी बला है सर्पिका? अरे ये कोई बला नहीं बल्कि रस्म है जो गर्भवती औरतों की होती है। सुहागने बैठती हैं, जिसके बाद सारी औरतें उसे आशीर्वाद देती हैं। अच्छा जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माहिर जी मैं क्या सोच रही थी, मेरा छठा महीना चल रहा है, क्यों ना 2 महीने बाद हम नागलोक में मेरी गोद भराई की रस्म रखें। इस गोद भराई में हम सभी नाग नागिनों को बुलाएंगे, उस दिन हम सब भूल जाएंगे कि कौन हमारा दुश्मन है। सर्पिका अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो ना यहाँ पर तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। हाँ माहिर जी मैं जानती हूँ, पर मेरी इच्छा है कि उस दिन सभी दुश्मनों को भी माफी दे दी जाए। क्या सोच रहे हैं? अरे हाँ कर दीजिए ना, हमारे बच्चे को सभी का आशीर्वाद मिलेगा, जब पैदा होगा तो कितना शक्तिशाली होगा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन वो करते कैसे हैं? क्या माहिर जी? तुम्हारी वो रस्म कौन सी थी? वो गोद भराई। हाँ वही गोद भराई। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, 1 महीने बाद मेरी सहेली का बच्चा हो जाएगा, उसके बाद हम उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेंगे। लेकिन सर्पिका वो एक इंसान है, ये बात कोई नहीं जानता, अगर नागलोक में ये बात किसी को पता चल जाएगी तो उसका यहाँ से जिंदा जाना संभव ही नहीं है। आप यहाँ के नागराज हैं, अगर आप भी पुरानी सोच लेकर चलते रहेंगे तो आने वाले नाग और इंसानों में भेदभाव कैसे खत्म होगा। अब आपको ये ऐलान करना ही होगा कि मेरी सहेली यहाँ पर कुछ दिन रहने आएगी, तो मतलब आएगी। उसकी बात सुनकर माहिर भी
उसकी बातों में अपनी हामी भर देता है और ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और अब सर्पिका नागिन एक बार फिर पृथ्वी लोक पर जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त वैशाली से कहती है। वैशाली, वैशाली। अरे सर्पिका, आज यहाँ आना कैसे हुआ? वैशाली, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो ना। यार मेरी भी गोद भराई है तो तुझे आना होगा। अरे तू पागल हो गई है क्या? भला मैं नागलोक कैसे आ सकती हूँ? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वैशाली की सास आ जाती है और सर्पिका को देखकर कहती है। अरे सर्पिका बेटा, आज यहाँ आना कैसे हुआ? वो आंटी जी, मैं इसको लेने आई हूँ। लेने आई हूँ मतलब? मतलब ये कि मेरे ससुराल में कोई बड़ा नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बड़ी बहन बनकर मेरी गोद भराई करे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहू तू जा, मैं मुन्ना को संभाल लूंगी। इस तरह सर्पिका के साथ वैशाली नागलोक चली जाती है। नागलोक आते ही वहाँ के कुछ सांपों को इंसान के आने का आभास हो जाता है, लेकिन उस वक्त वो लोग कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही अब पूरे नागलोक में नागराज माहिर ऐलान करते हैं। मेरे प्यारे नागलोक वासियों, अगले 2 दिन बाद सर्पिका नागिन की गोद भराई है, तो आप सभी को उस गोद भराई में आना है। लेकिन नागराज जी, मैंने सुना है कि ये रस्म तो पृथ्वी लोक पर होती है, और पृथ्वी लोक की रस्म नागलोक में कैसे? रानी सर्पिका पृथ्वी लोक गई थी, उन्होंने ये रस्म वहीं देखी है, और अगर किसी को आना है तो आए, नहीं आना तो उनसे कोई जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, आप सभी को एक चीज और बताना चाहूँगा कि पृथ्वी लोक से सर्पिका नागिन की एक इंसानी सहेली आई है, तो उनका खास ध्यान रखा जाए। नागराज की बात से सभी नाग नागिन सहमत होते हैं, लेकिन वहाँ की विशाखा नागिन जो कि एक बहुत ही जहरीली नागिन थी, वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी। एक नागलोक में इंसानी रस्म हो, इसलिए अब वो एक साजिश रचती है। ऐसे ही गोद भराई का दिन आता है और विशाखा नागलोक में महल जाती है, जहां वो देखती है कि वैशाली रस्म के लिए लड्डू की तैयारियां कर रही होती हैं, और लड्डू को देखकर विशाखा खुद से बोलती है। वैशाली लड्डू बना रही हो, कोई बात नहीं, ये लड्डू जरूर बनेंगे, और ऐसे बनेंगे कि तुम्हारी दोस्त नागलोक की रानी सर्पिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस तरह विशाखा नागिन बनकर लड्डू में अपना जहर मिला देती है, और जब गोद भराई की रस्म शुरू होती है तो सभी सुहागन नागिने सर्पिका को आशीर्वाद देती हैं। इस तरह सर्पिका की गोद भराई की रस्म खत्म हो जाती है। प्रसाद के रूप में अब लड्डू वैशाली सभी को बांटने लगती है कि तभी सर्पिका बोलती है। वैशाली रुक जाओ, ये प्रसाद सभी को देने से पहले विशाखा को दो। पर क्यों सर्पिका? क्योंकि इसमें जहर है। जहर का नाम सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और वैशाली को घूरने लगते हैं। उस नाग नागिनों की नजर देख वैशाली बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया सर्पिका, भला मैं लड्डू में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैं जानती हूँ वैशाली, तुमने कुछ नहीं किया, ना ही तुमने इसमें जहर मिलाया है, बल्कि जिसने मिलाया है वो खुद ब खुद सबके सामने आएगा, या फिर मैं उसकी पोल खोलूं। सर्पिका के बोलने के बाद भी कोई सामने नहीं आता, जिसके बाद सर्पिका अपने हाथों से जादू करती है और एक जादुई गोला प्रकट करती है। उस गोले में विशाखा के सारे कान दिख जाते हैं। ये देख माहिर आग बगुला हो जाता है और गुस्से में कहता है, विशाखा मैंने तुम्हें कहा था कि इस काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, जिसको आना है आए, नहीं आना है तो ना आए, लेकिन तुमने जहर क्यों मिलाया? हम नाग नागिनों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वैशाली इसको खा लेती तो वो मर जाती। मैं यही तो चाहती थी कि वो मर जाए, और हम एक नाग नागिन है, और नाग नागिन होने के बावजूद हम एक इंसानी रिवाज करेंगे। बात रस्म या रिवाज की नहीं होती विशाखा, बात इंसानियत की होती है, जो तुमने साबित कर दिया कि एक नागिन कभी इंसान नहीं बन सकती और ना ही उसमें इंसानियत आ सकती है। और ये भी एक माँ है, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या तुम इसके बदले इसके बच्चे को संभालती? तुम्हें ये हक किसने दिया कि एक मासूम की माँ को उससे छीनो? भोलेनाथ ने अच्छा किया जो तुम्हें कोई बच्चा नहीं दिया, अगर दिया होता तो तुम तो उसकी कदर ही नहीं करती। अरे सर्पिका, ये कैसी बात कर रही हो? अगर किसी को बच्चा नहीं है तो क्या तुम उसको ऐसे बोलोगी? अरे हो गई उससे गलती, अब उसको इस तरह बोलना सही नहीं है ना।
उसकी ये बात सुनकर विशाखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर माफी मांगती है, जिसके बाद वैशाली और सर्पिका उसे माफ कर देते हैं और प्रसाद दोबारा बनाकर गोद भराई की रस्म को पूरा करते हैं।